राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल जाएंगे, साथ ही राष्ट्रपति पीजीआई के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति सुबह करीब 11 बजे लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल जाएंगे, जहाँ वो स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 1000 क्षमता वाले संपूर्णानंद ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति सैनिक स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल के अलावा प्रशासनिक भवन कैडेट मेस का भी शिलान्यास करेंगे। 11 से 12 बजे तक वो सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वो राजभवन वापस लौट जाएंगे। इसके बाद शाम 4:50 पर राष्ट्रपति पीजीआई जाएंगे, जहां शाम को 5 से 6 के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। शाम 6:15 पर राष्ट्रपति राजभवन वापस लौटेंगे। अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे, साथ ही उनका गोरखपुर जाने का भी कार्यक्रम है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सैनिक स्कूल जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके साथ ही पीजीआई के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे, ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे और आज दूसरा दिन है राष्ट्रपति के दौरे का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की कन्वेंशन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। We are very much excited that he is coming here, and his speech was very marvelous, and we get opportunity to learn something from him. एक्चुअली सर बहुत प्राउड फील हो रहा है और सर ने जैसे हम सबने सुना कि वो दूसरी बार हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको देख के वो हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या दौरे पर आएंगे। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रामनगरी के संत के भी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है। इसी को लेकर रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्कि राम राष्ट्रपति को भेंट की करने के लिए रामायण और झंडा रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा है। साथ ही रामलला विराजमान को पहनाने के लिए नए वस्त्र भी भेंट किए गए हैं। उनका कहना है कि पहली बार कोई राष्ट्रपति रामलला के दर्शन पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, जो करोड़ों राम भक्तों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जो वस्त्र मुख्य पुजारी को भेंट किए गए हैं, उसी वस्त्र में राष्ट्रपति रामलला का दर्शन करेंगे। कि जितने भी राम भक्त हैं बहुत उत्साहित हैं और क्या न क्या उनको उपहार के रूप में दे दिया जाए। इस प्रकार से कल्कि राम जी एक झंडा दिए हैं और एक रामायण दिए हैं उनको समर्पित करने के लिए, और रामलला का उस दिन जो वस्त्र है वह वस्त्र धारण कराने के किए हैं।